हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अर्चना को किचन में आपका स्वागत है। आज हम पनीर मसाला बनाने जा रहे हैं, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक जार ले लेंगे हम, उसमें चार बड़ा बड़ा साइज में काट लेंगे टमाटर, 8-10 लहसुन और आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। काजू डालने के बाद अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। भर के 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे। इसको हम पानी नहीं डालेंगे, बस इसको ग्राइंड कर लेते हैं बिना पानी डाले। तो देखिए, मसाला पीस के तैयार हो गया। पानी डाले, एकदम फाइन सा पेस्ट बन के तैयार हो गया। उसी तरह का चाहिए हमको पेस्ट, तो ना ही काजू का पेस्ट अलग से बनाए, ना ही अदरक लहसुन, ना ही टमाटर का, सबका एक में पेस्ट बन के तैयार हो गया। तो चलिए, पनीर मसाला के लिए सब तैयारी हो गया है। पनीर टोस्ट करने के लिए, कढ़ाई को गर्म होने के लिए हम रखे हैं। तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है, हल्का तेल गर्म करना है। आप चाहें तो 1 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर भी डाल सकते हैं। तो 1/2 kg मेरा पनीर है, तो इसको डाल देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसको बस स्टार करके अच्छे से हल्के हाथों से चला लेना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे क्योंकि पनीर में पानी है। 2 चुटकी इसमें कश्मीरी मिर्च का पाउडर और नमक डाल देंगे और हाई फ्लेम में इसको टॉस कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको टॉस करना है बस। तो देखिए, ये टॉस हो गया है, तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको निकाल लेंगे है। अब ग्रेवी बनाने के लिए है, कढ़ाई को वापस से गर्म होने के लिए रख दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, तो तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया तो 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 3 इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज़पत्ता। जीरा अच्छे से चटक गया है, तो इसमें 1 हरी मिर्च और चॉप किया हुआ लहसुन को भी डाल देंगे। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें आप प्याज डाल देंगे, 3 प्याज है मीडियम साइज का, इसको हम बारीक चॉप कर लिए थे, इसको डाल देंगे। और मीडियम हाई पे इसको हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और मिक्स कर देंगे। प्याज इससे जल्दी पक जाएगा, अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा। उसको हाई फ्लेम पे हम फ्राई कर लेते हैं। प्याज देखिए मेरा गोल्डन लाइट ब्राउन हो गया है, तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, एक बार चला लेंगे। जो मसाला बना के रखे थे उसको डाल देंगे। मसाला डाल के हम इसको चला लेंगे। हम पानी डाल देंगे, 2 चम्मच पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। पकने के अनुसार नमक डाल देंगे। और 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, क्योंकि हम टमाटर डाले हैं तो चीनी डालने से अच्छा टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा थोड़ा। और इसको मिक्स कर लेंगे। सारी चीज को अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। काजू डाले हैं तो नीचे ये लगने का डर रहेगा, तो इसको हम चलाते भी रहेंगे। तो देखिए कितना अच्छे से ये अब मसाला पहले से देखिए कितना अच्छा हो गया है, ये भुन भी गया है। 1 मिनट के लिए इसको और भुनना है, क्योंकि देखिए ये कढ़ाई छोड़ने लगा है मसाला, तो ये भुन चुका है। ये मसाला भुन के तैयार हो गया है। देखिए कढ़ाई भी छोड़ दिया है और एकदम थिक तक मसाला बन के तैयार हो गया है। तो इसको हम करने के लिए इसमें गर्म पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे।
गरम पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। नमक आप अपने हिसाब से चेक कर लें नमक कैसा है नहीं है। मेरा नमक परफेक्ट है, तो हम जो पनीर को रख टोस्ट करके उसको डाल देंगे। पनीर डालने के बाद कस्तूरी, भुना हुआ कस्तूरी, कस्तूरी मेथी का पाउडर डालेंगे और इसको हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच हम फ्रेश मलाई का यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो अमूल का भी क्रीम डाल सकते हैं। इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मेरा पनीर मसाला बनके तैयार हो गया है। धनिया का यूज कर सकते हैं आप, डाल दें तो और अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए पनीर मसाला बनके तैयार हो गया। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा, सॉरी, इसको आप सर्व कर लेते हैं। तो देखिए पनीर मसाला बनके तैयार है, इसको हम सर्व कर लिए। अगर हमारी पनीर मसाला का रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।